हॉबी लैंग्वेज। थैंक यू ब्रो, आई नो कि मैं बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करता हूँ, जस्ट लाइक माय डांस। हाँ बस बस, बाद में दिखाना ये अपना अनोखा टैलेंट, फिलहाल तो गेस्ट को चलो हेलो हाय कर देते हैं। हाँ, ये भी आइडिया बुरा नहीं है। वाओ मिस्टर आरएम, ये कौन है? शी इज सो प्रीटी। आई नो दैट। ये लीजा है, माय सेकंड सन जॉन जंगकुक, उसी की वाइफ। वो आपके सेकेंड नंबर का सन जियान जंगकुक, राइट? मैंने काफी सुना है उसके बारे में इंटरव्यू एंड न्यूज में। अरे मैंने तो उसको एक दो बार देखा भी है आपके साथ मिस्टर आरएम न्यूज में, काफी हैंडसम है वैसे वो। यस, उसने फिलहाल कंपनी तो पूरी तरीके से ज्वाइन नहीं की क्योंकि वो स्टडी कर रहा है, लेकिन समटाइम कंपनी के वर्क हैंडल कर लेता है वो उसके बड़े भाई के साथ। मैंने तो ये भी सुना है कि आपके दोनों बेटे नेक्स्ट सीईओ है जियोन ग्रुप कंपनी के। यस, जैसे ही उनकी स्टडी कम्प्लीट होंगी वो दोनों ज्वाइन कर लेंगे। वैसे आपके छोटे भाई के बेटे, आई मीन मिस्टर जेहोप के बेटे, उसकी क्या प्लानिंग है? क्या वो भी? हाँ मिस्टर जेहोप, आप बहुत मजा किया है। यस यस जेहोप, वैसे मिस्टर आरएम जंगकुक कहाँ पे है? कहो
मेरा बेटा जंगकुक भी आ गया। A few moments later. Wow, Cookie, क्या कमाल की entry मारी है, बिल्कुल मेरे जैसी। Oh please, Jin, ऐसी भी कौन सी grand entry मारी थी तुमने? अरे Dad, बंदर क्या जाने, अदरक का स्वाद। योर। हाँ, अब तो बाप को मुहावरे से टॉन्टिंग करेगा। Seriously, शर्म नहीं आती तुझे? Relax, Jeho Pankal, सब लोग आप दोनों की तरफ देख रहे हैं, so please यहाँ पे अब झगड़ा स्टार्ट मत कर देना फिर से। So guys, this is John Jungkook, RM and Jin का second son. फिलहाल तो ये एक कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड रहता है। ये इसके कोई भी पसंद के चीज के लिए काफी ज्यादा पॉसेसिव रहता है। एंड ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहता, ये बिल्कुल जिन जैसा रहता है, या फिर मैं कहूँ कि जिन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल। जंगकुक तो सिर्फ मुझे क्यों बोल रहा है, तेरी माँ को भी समझाना। फाइन फाइन, प्लीज मॉम थोड़ी देर चुप रहो। A few moments later. Jinu, hey Jinu baby. Oh, तो finally तो बेटा मिल ही गया मेरे लिए। Sorry darling, थोड़ा busy था। अच्छा ठीक है, चलो बताओ कि आज मैं कैसे लग रही हूँ। हाँ, ये क्या कर रही है? ओहो Dad, मॉम तो शर्मा रही है। ओ Jinu, ऐसे काम मत किया कर जो तुझ पे सूट ही ना करे। Jinu, तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो बेबी, सच में। जंगकुक शुगा, आज हमें बुसान जाना है शाम को। Why Dad? Actually हमें जैसी जगह चाहिए थी हमारी न्यू फैक्ट्री ओपन करने के लिए, वहाँ पे वैसी जगह मिल चुकी है। कल रात पार्टी में मिस्टर किम हैरी भी आए थे, जो कि भूसान में एक बिजनेसमैन है। मैं उनसे मिला एंड हमारी इस प्रॉपर्टी पे बात हुई, सो वो रेडी है उनकी प्रॉपर्टी हमें देने के लिए। ओह कम ऑन डैड, कुछ तो डील हुई होंगी ना आपकी और उसकी, वो ऐसे ही हमें उसकी प्रॉपर्टी क्यों देगा? अरे जंगकुक, हम उसको पैसे देंगे ना ऑब्वियसली, फिर भी सिर्फ पैसों के लिए उसकी उतनी बड़ी प्रॉपर्टी कोई नहीं देता अंकल। You are right, Jungkook. उसने एक मेरे साथ डील की, उसको हमारे कंपनी के साथ मिलकर काम करना है। वो हमें उसकी प्रॉपर्टी देगा, वो भी थोड़े कम प्राइस में। बदले में हमें उसे हमारे कंपनी में एज अ सेल मैनेजर की पोस्टिंग पे लेना है। तो ले लेते हैं ना डैड, ये हमारे लिए कोई बिग डील नहीं है। हाँ बिल्कुल। But I'm sorry Dad, मैं नहीं आ पाऊंगा वहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉलेज में एक काम है। Okay, so Lisa बेटा तुम आओगी? सॉरी डैड, लेकिन मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है आज। अरे हाँ, फिर जंगकुक तुम? ओके चलते हैं। ओके फाइन, सो रेडी रहना शाम को। ओके। हैरी, क्या हुआ, आज आप बहुत हैप्पी लग रहे हो? हाँ, क्योंकि जियोन ने मेरी डील एक्सेप्ट कर ली है, वो आज हमारी प्रॉपर्टी देखने आ रहे हैं भूसान। ओ वाओ, कांग्रेचुलेशन। थैंक्स। बस इतना कहकर हैरी वहाँ से चला जाता है। जेनी, तुम आज कॉलेज नहीं जा रही हो? नहीं, आज तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ एंजॉय करने। ये जेनी, यस, बहुत अच्छा लगता होगा ना कॉलेज लाइफ, न्यू न्यू फ्रेंड्स। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, कितना अच्छा लगता है यार। तुम क्या कुछ सोच रही थी क्या? क्या कौन, मैं? नहीं तो ते, कब तक ऐसे ही रहोगी? क्या मतलब? ओह प्लीज ते, तुम ऐसे प्रिटेंड करती हो कि तुम बहुत खुश हो यहाँ पे इस फैमिली में मेरे ओप्पा के साथ, बल्कि रियलिटी तो ये है कि तुम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो यहाँ पे। ऐसा नहीं है जेनी। तो फिर कैसा है ते? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो कुछ समझ ही नहीं पाती। तुम दोनों के शादी को लिटरली 1 ईयर हो गया है, लेकिन तुम अभी तक अपने रूम में सोफे पे सोती हो और हैरी ओप्पा बेड पे। हैरी ओप्पा तुम्हारे साथ फ्रीली बात नहीं करते और ना ही तुम उनके साथ।
करती हो, कितने अजनबी जैसे रहते हो तुम एक ही घर में। जेनी, ये एक अरेंज मैरिज है जो कि मेरे पेरेंट्स की मर्जी से हुई है। एंड अरेंज मैरिज में तो ये सब कॉमन है ना, थोड़ा टाइम तो लगता ही है एडजस्ट करने में। टाइम? वाओ, वो भी इतना ज्यादा। मैं हैरी अप्पा को कभी नहीं समझ सकती, उनको बिजनेस के अलावा कुछ आता ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट, तुम कितनी क्यूट हो यार, और ब्यूटीफुल भी, दिल से भी और फेस से भी। लेकिन पता नहीं ये हैरी अप्पा को क्यों नहीं देखता। इतनी खूबसूरत होने के बाद भी हैरी अप्पा पता नहीं क्यों तुमसे अजनबी और जैसी बातें करते हैं। उनकी तरफ देखकर तो ऐसे ही लगता है कि वो तुम्हारे साथ शादी सिर्फ ये घर संभालने के लिए किए हैं। बाकी प्यार नाम की चीज तो मुझे नजर ही नहीं आती तुम दोनों में। काम डाउन जेनी, ऐसा कुछ नहीं है। हैरी तो बस अपने फिलहाल फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं और बाकी तो हम दोनों में ठीक है। और रही बात प्यार की, तो प्यार तो धीरे धीरे कभी भी हो जाएगा ना। नोते, मुझे तो नहीं लगता कि ये कभी होगा, क्योंकि हैरी अप्पा को तो प्यार की भाषा कभी समझ में ही नहीं आती। बट जेनी, मुझे तुम्हारी बातों से ऐसे लगता है कि तुम काफी कुछ जानती हो प्यार के बारे में। कैसे नहीं जानूंगी, आखिर मैंने भी तो प्यार किया था किसी से। सच में? किससे? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।